नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के तहत 1017वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। जी दोस्तों, 1017 डेज हो चुके हैं वीडियोस के आते हुए। और सबसे पहले मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो की कि कब का वीडियो आता है। वीडियो देखने को अच्छा लगता है थोड़ा सा भी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए, साथ ही दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। देखिए, इस वीडियो में 10 लेटर वाले वर्ड्स जो कि चार लेटर वाले वर्ड जो कि एम शुरू होंगे वो देख रहे हैं। तो बेसिक, अगर बेसिक आप सीखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, इंग्लिश पढ़ना सीखना चाह रहे हैं तो इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, एक्चुअली सभी लोग समझते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है। ABCD सभी को पढ़ने आता है, लेकिन मैं मुझे नहीं लगता कि सभी को ऐसे पढ़ने आता होगा। अगर पढ़ने आता तो दोस्तों जाहिर सी बात है वो आज इंग्लिश यानी आप पढ़ते होते अच्छे से और फ्लुएंट में। जैसे फ्लुएंट जो है, ये फ्लुएंट लिखा हुआ है, फ्लुएंट, तो बहुत सारे लोग नहीं भी पढ़ पाएंगे इस वर्ड को। लेकिन जब मैंने बताया कि फ्लुएंट लिखा हुआ है तो पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये फ्लुएंट पढ़ा कैसे गया इस बात पर भी जो है फोकस करना होगा। तो एक्चुअली क्या है कि 26, जी हाँ 26 यानी 26 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के अंदर। हालांकि आज भी इसे ABCD कहते हैं, अल्फ़ाबेट बहुत कम लोग बोलते हैं। और इसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका एक ही बात है, टीडो। और ये जो है कम से कम 64 तरह से है, 64 क्या आप 64 तरह से इसको घुमा फिरा कर बोल सकते हैं? उसमें भी ये जो वॉवेल है हमारा डबल ओ के साथ, इसको जो है कम से कम बोलने का जो तरीका मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो है इसी में उलझ के लोग रह जाते हैं। और ये 23 तरह से कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे तो आप FL पढ़ देंगे, NT पढ़ देंगे, लेकिन जब UE भी पढ़ देंगे लेकिन इसका उच्चारण यहाँ क्या हो रहा है ये नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन N का उच्चारण क्या हो रहा है आप जानते हैं, N का न हो रहा है, T का ट हो रहा है, L का ल हो रहा है, F का फ हो रहा है। लेकिन U का कितने तरह से होता है उच्चारण, तो मैं बताऊं दोस्तों, यू का उच्चारण 4 तरह से और ई का उच्चारण 5 तरह से होता है। अब इनमें 4-5 में से कौन सा उच्चारण यहाँ पर जो है सेट किया गया अंग्रेजों द्वारा, ये न तो अगर नहीं पढ़ने आता है तो आपको भी पता नहीं है, और जाहिर सी बात है तो इसको पकड़ना होता है। अगर यही जो है लोग नहीं जानते तो स्पेलिंग मिस्टेक होता है बहुत ही वर्ड्स में, इसलिए ज़्यादा वर्ड्स पर ध्यान देना होता है वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए। तो चलिए, अब बचता है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के बारे में मैंने बताया है कि है 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं इसमें। खासकर देखिए टी जो है इसको 4 तरह से पढ़ते हैं, जिसमें देखिए टी को च भी बोलते हैं और टी को श भी बोलते हैं, इसके अलावा ट और त तो बोलते ही हैं, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर उच्चारण हो रहा है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ वर्ड को पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड 62 कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं, 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं जो कि आपको अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ही तेज़ी से काम आने वाले होते हैं। और इनको मैंने लिया है इसलिए ताकि ये बार बार रिपीट होते हैं कई वर्ड्स के साथ। दोस्तों ये तो था इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में। अब देखिए, ये तो इंग्लिश ग्रामर की बात थी, अब हिंदी यानी इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखेंगे और हिंदी में सबसे पहले वर्णमाला सीखेंगे। अब भला इंग्लिश पढ़ने में वर्णमाला क्या ज़रूरत है? दोस्तों इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इंग्लिश के जब जो भी टेक्स्ट आप देखेंगे, जो वर्ड्स देखेंगे, उसमें हिंदी के भी शब्दों को अंग्रेजी में लिख दिया गया होता है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? या आप सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, आप मैसेज करना सीखना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, अपना नाम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, दूसरे का पता पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये वाली इंग्लिश यानी कि जो हिंग्लिश है, मतलब कि इंग्लिश हिंदी को ही इंग्लिश बना दिया गया, तो वो चीज़ आपको सीखना होगा। जैसे स्वर इसकी संख्या 14 है और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, दोनों को मिलाकर 50 हो जा रहा है, लेकिन इसका अंग्रेजी ही आपको सीखना है कि इंग्लिश में इन सब का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण या बोलने का तरीका क्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों ये छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत ही यूज़फुल पार्ट है, तो आप सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का आपको नाम लिखना है तो लिखना नहीं जानते तो कैसे लिखेंगे इस बात को? तो मान लीजिए कुछ भी हिंदी के शब्दों को अगर इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हालांकि प्रैक्टिस की आवश्यकता हो, लेकिन फिर भी एक बार समझना होगा प्रैक्टिस के पहले की चीज़। जैसे देखिए, ये जो है सभी के सभी स्वर है, लेकिन आपको जब भी हिंदी के शब्द जो मिलते हैं जैसे, तो उसमें सभी के सभी शब्दों में ये डायरेक्ट अ से लेकर अह तक नहीं आता, ठीक है? क्या आता है? मात्रा चिन्ह आ जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा आता है मंगल, ठीक है, मंगल। अब देखिए कि यहाँ गौर करने की ये बात है कि जो ये अन आया, अन जो कि यहाँ पर है, अब नहीं समझ में आ रहा होगा कि मात्रा चिन्ह,
तो देखिए ग में भी नहीं मात्रा चिन्ह है, अ में भी, ल में भी मात्रा चिन्ह है, लेकिन है, दिख नहीं रहा, ठीक है, दिख नहीं रहा। अगर इसका विस्तार करते हैं इस तरह से, तो देखिए क्या होता है, विस्तार समझिए। विस्तार करने के बाद ये जो है इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। और जब इस तरह से लिखा जाएगा तो समझ लीजिए कि यही यही जो है हमारा मूल जो है अक्षर है, अक्षरों को जोड़ने के बाद एक शब्द बन गया मंगल, ठीक है। मंगल नाम हो सकता है, ग्रह का नाम है। चलिए तो देखिए अब अंग्रेजी करना इजी है, जैसे एम से, लेकिन उसके लिए पहले स्वर याद करना होगा, स्वर के सारे लेटर्स याद करने होंगे कि एम से म का क्या होता है। तो भाई म का आपको पता है एम होता है अन, अन के लिए अब देखिए मात्रा चिन्ह यहाँ सेट कर देते हैं, अ का कोई मात्रा नहीं होता, जी हाँ, अ का कोई, यहाँ भी देखिए अब ना ग में भी नहीं दिख रहा, ल में भी नहीं दिख रहा, यानी कुछ दिखेगा नहीं, है ही है लेकिन दिखेगा नहीं। आ का मात्रा चिन्ह ये कार देखिए यहाँ पर है, छोटी इकार का मात्रा चिन्ह ये रहा, बड़ी इकार का इस तरह से, छोटी उकार का मात्रा चिन्ह बड़ी उकार का, री जो है इस तरह से, बड़ी री का यहाँ, ए जो है ए का मात्रा चिन्ह है इस तरह से, ए, अ का मात्रा चिन्ह ये रहा, ओ का ये रहा, अ का दोस्तों सॉरी ओ में एक होता है ना, अ में दो हो गया, अन का मात्रा चिन्ह एक, तो इसे अनुनासिक, इसे चंद्रबिंदु बोलते हैं, तो ये दोनों मात्रा चिन्ह है और अ का ये मात्रा चिन्ह रहा, तो यहाँ पर तो यही आया ना अन, चाहे चंद्रबिंदु है या जो भी रहे, ए एन का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे, तो अन के लिए अब यहाँ ए एन लिख देते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इसे क्लियर। जैसे एम से म हो गया, अन के लिए जो है उसको ए एन आ गया, ठीक है, ए एन आ गया, ग का होता है जी और अ का होता है ए, ल का होता है एल, और लास्ट में जो ए होता है हिंदी के शब्दों में अ का नहीं लिखा जाता है, लेकिन अ के बाद कोई भी मात्रा चिन्ह या स्वर रहे या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में मात्रा चिन्ह भी रहे तो लिखा जाएगा, ऐसा आ से लेकर अह तक लिखेंगे। अगर मंगला लिखा रहता तो यहाँ पर ए लगाते, लेकिन मंगल लिखा हुआ तो नहीं लिखने की आवश्यकता है, बात समझ। जैसे देखिए कृतिका लिखना है, कृतिका, कृतिका, अब देखिए क्या है के, अब री के लिए क्या होता है, री का आर आई हो गया, आर आई री, क्री, टी से ट, छोटी कार का यहाँ पर देखिए आई हो गया, तो यहाँ आई हो गया, और क से के, और आकार के लिए देखिए यहाँ पर डबल ए की जगह सिंगल ए ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है, बड़ी की जगह छोटी ई का अंग्रेजी, बड़ी यू का जगह छोटी यू का अंग्रेजी, ये सब ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये है कृतिका, ऐसे लिख दिया कृतिका। तो दोस्तों स्वर याद रखिए, स्वर का मात्रा चिन्ह के साथ अंग्रेजी याद रखिए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा व्यंजन, जो कि बहुत जरूरी है, हिंदी से जुड़ा जरूरी है, लिखना हो फूल, लिखना हो गमला, लिखना हो संजय रंजय, है ना, शत्रुघ्न, कुछ भी टेढ़े टेढ़े शब्दों में भी आपको बहुत ही सहूलियत से आप लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। तो देखो ये जो है 36 है, एक्चुअली व्यंजन है, व्यंजन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सभी में आप हलन देख रहे हो, इसका मतलब होता है कि ये जो है आधा अक्षर है। तो भाई पूरा अक्षर कैसे बनेगा, इस बात पे भी समझिए। तो आधा अक्षर में जो कि व्यंजन है, इसमें स्वर जो है हमारा, स्वर जो कितना है, स्वर अ से लेकर अह तक, अ से लेकर अह तक है, को इसमें से कोई एक को जोड़ देंगे तो उसके अनुसार ये व्यंजन बदलता जाएगा, अपना अक्षर, अपना जो है मात्रा चिन्ह के साथ अक्षर बदलता जाएगा, तब ये हो जाता है पूरा अक्षर। जैसे अगर लिख दें क, आधा क व्यंजन, इसमें मिला दें अ, तब क्या बन जाएगा पता है, तब बन जाएगा हमारा एक पूरा अक्षर क, क वाला स्वर है। अगर इसी क में, आधा क में अगर मिलाते हैं आ, तो बन जाता है का, पूरा वाला अक्षर, मतलब सही दिख रहा है मात्रा चिन्ह। अगर इसी क में, मतलब किसी भी अक्षर के साथ तो ऐसे ही होगा ना, इसी में जब मिला दें ओ, तब हो जाता है को, इसी में जब मिला दें अह, तब हो जाता है दोस्तों क, तो क्या हो गया क का, मतलब एक तरह से 12 खड़ी इसी तरह से तैयार होती है। तो एक बात और मैं बता दूँ, जो नीचे की इंग्लिश जो लिखे हैं वो भी आधे अक्षर हैं, हिंदी के शब्दों में जब तक इसमें स्वर नहीं जोड़ेंगे तब तक वो पूरा अक्षर को कह सकते हैं ना इंडिकेट, या मतलब कह सकते हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे, वो आप समझे कि वो आधा अक्षर है। जैसे लिख दें
एक वर्ड ले लेते हैं अल्प, है ना, अल्प ले लेते हैं अल्प। अल्प लेने का मतलब यहाँ आधा ल है, आधा ल का मतलब हो जाता है कि ये वाला हमारा यहाँ से एक ल है, इसमें एल है। अब देखिए ए है, ए में तो कुछ लगेगा नहीं क्योंकि खुद का स्वर है। ए देखिए एल है, इसमें भी कुछ नहीं लगेगा क्योंकि खुद का ये व्यंजन है, इसमें तो कुछ मात्रा चिन्ह नहीं दिखेगा क्योंकि है ही नहीं, ये पूरा है ही नहीं, आधा ही लिखा है। अब प में जो है अल्प। अब इसके लिए इसको दो प्रूफ करने के लिए आप ए लगा सकते हैं तो अल्पा पढ़ा जाता है, लेकिन अल्प ऐसे लिखेंगे अल्प। यही तरीका है लिखने का किसी का नाम। जैसे मान लीजिए नाम है सुबोध, ठीक है, सुबोध, चलिए सुबोध कांत कर देते हैं, अभी थोड़ा सा और टेढ़ा करते हैं, सुबोध कांत। अब बताइए किसी को लिखने आएगा, किन किन को लिखने आ रहा है, सभी लोग इंग्लिश में जो है यहाँ पर लिख के बताएं कि भाई जिनको लिखने आएगा समझ में आया कि हाँ लिखने आ रहा है आपको। अगर नहीं लिखने आ रहा है तो देखिए क्या करिए कि भाई इसका शब्द विस्तार कर दीजिए। जैसे स तो लिखने आएगा, स में छोटी ऊ है, लिख देंगे। फिर देखिए ब में ओकार है, ये भी लिखने आएगा। ध में अ है, और देखिए क में का, क में आ है, प्लस अन भी है, ठीक है। फिर देखिए त में अ है, यही अ लास्ट में ए अंग्रेजी नहीं लिखा है। जैसे देखिए ऐसे लिखेंगे अंग्रेजी, स का एस हो जाता है, यू का ओ का यू हो गया, ब का बी हो गया, ओ का हो गया, ध का डी एच होता है, और यहाँ पर तो जाहिर सी बात है दो शब्दों से मिला है तो ये भी एक यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे, सुबोधा ने तो सुबोधा कांत लोग पढ़ लेंगे कि दो शब्दों का योग है इसमें, ठीक है, इसमें दो शब्द मिला हुआ है, सुबोध प्लस कांत, सुबोध कांत, है ना। तो यहाँ पर कांत ही सीधा लिखेंगे, अगर लिख सकते हैं, अगर लोग अपना लिखने का तरीका में रखते हैं ए तो लिख सकते हैं, नहीं तो के क क का के अ का, है ना, का, देखिए कान, तो का जो दो का है डबल ए एन, यहाँ पर उल्टा हो गया मैंने, यहाँ अन करिए यहाँ आ करिए, तो क्या हो गया, ठीक है, अन है यहाँ आ, आ, आ हो गया, तो डबल ए की जगह जैसे कान है कान, तो देखिए कान यहाँ पर एन आ गया, यहाँ पर क्या रहेगा आ, यहाँ पर अन, अन यहाँ आ और यहाँ अन, तो पहले से था ही, तो अन के लिए ए एन होता है, आ के लिए डबल ए या सिंगल ए लिया मैंने, तो ये दोनों कॉमन ले लिया गया और इस तरह से एक सिंगल ए और एन हो गया कान, और त का टी हो गया सुबोध कांत। तब समझ चुके होंगे कि भाई कैसे लिखा गया कांत, जैसे कांत के फिर समझिए एक बार कि का है और ये न है, न तो ऐसे लिखेंगे पूरा डिटेल में लिखेंगे तो कांत ऐसे लिखेंगे ना कांत, तो भाई क प्लस आ, अब न है तो न है, चूंकि ये न नहीं है अन है, अन कन कान कांत, या न समझिए तो न भी समझेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और त है त समझ लेंगे, त में अ, तो और इजी हो जाएगा दोस्तों लिखना, के से क, आ के लिए डबल ए की जगह सिंगल ए, और एन से न हो गया, और टी से त हो गया कांत, ऐसे भी समझ सकते हैं कांत, तो सुबोध कांत हो गया ना, इजी। इसी तरह के किसी भी शब्द को लिखने के लिए पहले शब्द विस्तार करें, फिर उसका जितना है व्यंजन व्यंजन लिख ले, साथ ही में उसका स्वर को लिखते चले, और आपका एक अक्षर तैयार हो जाएगा। शुरू में प्रैक्टिस कीजिए, जी हाँ प्रैक्टिस कीजिए, न्यूज़पेपर के जो हेडलाइंस होते हैं या कहीं से भी टेक्स्ट के जो टेक्स्ट देखते हैं, बड़े बड़े अक्षर जो दिखते हैं, शब्द दिखते हैं, अपने घर के सभी व्यक्तियों के नाम लिख लीजिए, करेक्ट आपको आ जाएंगे, सीख जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्सोनेंट और वोवल्स पे। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की संख्या कितना है हमको पता है 21, क्योंकि वोवल जो हमारा है ए ई आई ओ और यू ये हट गया है, तभी तो 21 प्लस 5 26 हो जाता। तो देखिए उच्चारण क्या होता है, बी को ब बोलते हैं, सी को क और स बोलते हैं, स कब बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगा, डी को ड द और ज बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फ, जी को ग और ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, उसके बाद जे को ज बोलते हैं, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, आर को ड भी बोलते हैं, एस को स और ज भी बोलते हैं, टी को ट बोलते हैं और च स ही बोलते हैं,
वी को वह बोलते हैं, डब्ल्यू को भी वह बोलते हैं। उसके बाद एक्स जो है, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जज है बोलते हैं। जैसे स है तो सी आई से स होता है, सी ई से स होता है। जैसे आप देखते हैं सर कॉम्स्टेंस, थोड़ा सा मैंने लंबा लिया है, तो ए सी आई को स बोलते हैं, सी आई को सर कॉम्स्टेंस, हालांकि एंस भी है इसमें। और यहाँ देखिए सी ई को स बोलते हैं, सर कॉम्स्टेंस, ऐसे लिखते हैं सर कॉम्स्टेंस। तो देखिए पहला स, दूसरा स, स तो उच्चारण हो ही गया है, सी आई से स, सी ई से स, सर कॉम्स्टेंस। उसी तरह के को क बोलते हैं, जैसे सी एस से क, सी के सी एस से क, जैसे कैरेक्टर क्रोम, लक वाले में, क्वेश्चन में, क्वेंट में, क्वीन में, ये सब है। उसको देख एक्स को एक्स बोलते हैं, चलिए ओ एक्स से एक्स हो गया, एफ ओ एक्स से फॉक्स हो गया, लेकिन वर्ड मीनिंग आपको ई एक्स से भी मिलेंगे, तब क्या पढ़ेंगे ई एक्स को, तब भी ई एक्स को एक्स पढ़ेंगे या एग्ज पढ़ेंगे, ठीक है, एक्स एग्ज, जैसे एग्जाम, जैसे क्या हो गया एग्जाम, जैसे हो गया एक्सक्यूज, ठीक है। तो यहाँ एक्स पढ़ा गया, यहाँ पर एग्ज पढ़ा गया। इन सबको अच्छे से याद रखिए, एस को स बोलते, ज बोलते, ई एस से भी ज होता है, आर को र, आर को ड भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ याद रखिए, एक ही वर्ड में कभी कभी ग ज दोनों होता है, जैसे जी ओ आर, जी ई ओ यू एस, पहला जी ग, दूसरा जी ज, क्या उच्चारण होगा, गॉर्जियस। अब चलिए इसे भोबल पे बात करते हैं। जैसे ये भोबल जो है, भोबल की संख्या है 5, लेकिन सबसे टेढ़ा खीर जो होता है ना, यही आपको परेशान करेगा। जब भी आप कोई वर्ड्स पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत, जब सबसे ज़्यादा परेशानी जो है इसी से होने वाली होती है। जैसे ए का उच्चारण जो है 4 तरह से होता है, ई का उच्चारण 5 तरह से होता है, तो तेजी में चलेंगे, आई का उच्चारण 5, ओ का उच्चारण जो है सो ये होता है 4 तरह से, और यू का उच्चारण जो है 4 तरह से होता है। तो दोस्तों ये जो है उच्चारण प्रोनंसिएशन या बोलने का तरीका एक ही बात है, अलग अलग वर्ड में अलग अलग। ये छोटे छोटे मैंने लिए एग्जांपल, एक जैसे लेते हैं ताकि आपको हमेशा समझ में आए, और कभी कभी क्या होता है एक बार में समझ में नहीं आता लोगों को, तो दूसरे बार वीडियो देखिए, तीसरे बार देखिए, वीडियो को बैक करके देखिए, है ना। जैसे ए, यहाँ पर ए का उच्चारण ए हो रहा है, यहाँ पर ई का उच्चारण ई हो रहा है, आई को यहाँ पर आई बोलते हैं, आई सिंगल आई सी बोलते हैं ना, ओ इसको लिखा ओ बोलते हैं, इसको बोलते हैं यू, इसको बोलते हैं डबल ओ। अब डबल ओ को क्या बोलेंगे ये तो नहीं समझ आना, लेकिन डबल ओ को वो भी बोल सकते हैं। जैसे अब देखिए ए, लेकिन यहाँ पर ए पढ़ना है, पढ़ के देखिए मे डेल, गलत उच्चारण हो जा रहा है, लेकिन आप पढ़ते हैं मे डल, तो उच्चारण सही है। यहाँ पर पढ़ी ए मेष, गलत उच्चारण हो रहा है, अगर आप पढ़ते हैं मास, सही उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर पढ़िए मेड, एड मेड, तो सही उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर मेड का मेड, यानी ए का ए ही उच्चारण हो रहा है, क्योंकि ए के बाद ई है, तो ए का उच्चारण फिक्स ए हो जाता है। यहाँ पर पढ़िए ए, तो उच्चारण क्या होगा, ए मेन मेन, गलत दोस्तों, मैन होगा, यानी कि ए उच्चारण होगा, है ना। वाटर में ई का उच्चारण देखिए, आ का वा, आ का ए का उच्चारण आ हो रहा है यहाँ पर, और ई का उच्चारण जो है अ हो रहा है। उसके पेन में ई का उच्चारण जो है ए हो रहा है, पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, और सी के बाद ई है उसका उच्चारण अ के रूप में, पिन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में टायर, सर्कल में आई का उच्चारण, जैसे मैंने बता ही दिया कि सी के साथ आई है तो अ होगा, लेकिन आई अ क्यों होगा, क्योंकि सी के बाद अ, आई को अ ही बोल रहे हैं, सी एल के बाद ई है उसका उच्चारण भी अ के रूप में होता है। एस ओ एम ई सम में ओ का उच्चारण अ हो रहा है, ओ का, ओ को कितना तरह से बोल सकते हैं, तो अ आ उ ओ। दोस्तों इसी तरह से कि अबाउट में ओ का उच्चारण, पहला ए तो ए ही उच्चारण हुआ, और ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ आउट। प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में प्रूव, और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ टोन ओ। ब्यूटी बट में यू को अ बोलते हैं बट, टूट में यू को ऊ बोलते हैं है ना पुट, और ट्यून में यू को ई यू बोलते हैं, अलग अलग वर्ड में। लेकिन ये सब कौन निर्धारित करता है, ये सब निर्धारित दोस्तों अंग्रेजों द्वारा, जो इंग्लिश बोलते हैं, जहाँ कई भाषा है वहाँ से निर्धारित हुआ है, तो उन्हीं के अनुसार हम लोग भी बोलना सीखेंगे, लेकिन अधिक से अधिक वर्ड्स पढ़ते हैं। अब देखिए एस डबल एन सून में डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ को जो है अ पढ़ते हैं, और फ्लोर में डबल ओ को, एफ एल डब्ल्यू आर फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये पढ़िए,
और ऐसे ही पढ़िए, आपको पक्का 100% से पढ़ने आएगा। अगर इसके बाद भी दिक्कत होती है तो दोस्तों ओमनी सैन इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में या गूगल का टाइप गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, माइक में बोल सकते हैं ओमनी सेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिए वीडियो की संख्या दोस्तों 1200+। अगर आपको पढ़ना सीखना है या किसी को भी पढ़ना सीखना है, अगर नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल के बारे में बताइए, और या सुसु लिखना सीखना है या फिर बोलना सीखना होगा। साथ ही दोस्तों बहुत ही जल्दी आप हमारा ई बुक्स भी अवेलेबल हो जाएगा, आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए विथ ईजी स्टेप सब कुछ आसानी से सीखेंगे। ग्रामर्स तो पढ़ने के लिए मैं नहीं कहूँगा, कभी भी आपने अपनी भाषा को सीखा होगा बिना ग्रामर्स के, बाद में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ग्रामर्स का उपयोग करते हैं। पंडित बनने की आवश्यकता नहीं, हाँ जानकार बनिए, आपका काम निकलना चाहिए। देखिए अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखेंगे इस बात को समझिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप अपने आप को पहले जांचिए परखिए कि भाई आप कितने पानी में हैं। उसके लिए जो है दोस्तों मैंने ए ई आई ओ यू डबल ओ से कुछ वर्ड्स लिए, लेकिन आपको दोस्तों सीक्वेंस में लेने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी कोई वर्ड्स जो है जरूर ढूंढ ढूंढ के आप निकाल लेंगे। और उसके लिए वॉवेल्स के सारे उच्चारण आप मात्रा चिन्ह के साथ लिख लीजिए, इसलिए क्योंकि इसे याद करना होता है। अगर याद कर लेते हैं तो आप सभी वर्ड्स में आपको पता चल जाएगा, या प्रैक्टिस करते करते भी आपको याद हो जाए। जैसे कंपनी में मैंने लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। कंपनी में ओ को क्या बोला गया तो अ, और ए को क्या बोला गया तो अ, जैसे कम पनी, यहाँ बगल में हिंदी में लिखा है समझ, कम पनी। तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है अ उच्चारण हुआ, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। सॉल्ट में एक उच्चारण आ है, देखिए आ है यहाँ पर मात्रा चिन्ह, केयर में एक उच्चारण ए हो के रूप में हुआ, और मैप में एक उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। उसके बाद परफेक्ट में दो ई है, पहला ई जो है और दूसरा ई, तो पहला ई जो है तो अ के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में हुआ। फैक्ट यहाँ भी देखिए प में तो दिख नहीं रहा, ए में का मात्रा चिन्ह दिख रहा है। प्रीफिक्स में दो ई है, पहला ई का जो छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में, कौन सा उच्चारण करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। टेन में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में, प्रीफिक्स सर देखिए एस आई आर सर में आई का उच्चारण अ के रूप में सर, फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है लाइन। एस ओ एन सन में ओ को अ बोला गया, अ सन में ओ को क्या बोला गया अ। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, और प्रूव जी हाँ प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, यहाँ पे मात्रा चिन्ह से ही पकड़ सकते हैं। मोटो में दो है, केम के साथ जो टीक है दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। ब्यूटी बट में यू को अ बोला गया, बट यू को अ बोला गया। फुट में यू को ऊ बोला गया है, और ट्यून में यू को ई यू बोला गया ट्यून। उसके बाद एफ एल ऑलरेडी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ है। लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू के रूप में हो रहा है। इस तरह दोस्तों आपको कम से कम 200 वर्ड लीजिए शुरुआती, और उसको जो है 20 वर्ड के साथ, यानी एक दिन में 20 वर्ड करके 10 दिन तक आप प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन आप खुद ब खुद आप हिंदी के शब्दों को लिखने लगे, क्योंकि अब आप ये जान चुके होंगे कि आपने आज तक कैसे कुछ वर्ड्स को पढ़ा। लेकिन एक दो शर्त है कि एक तो पहला कि वर्ड्स के सही उच्चारण आपको आने चाहिए, जो भी आना चाहिए जो वर्ड्स लीजिए, और साथ ही कि उसका स्पेलिंग करेक्ट लिखा होना चाहिए, ये जरूरी है। अब चलिए दोस्तों आज के टेक्स्ट के ऊपर और वर्ड्स के ऊपर, चलिए देखिए ये है दोस्तों पहला वर्ड मेंग, मेंग है ना, ए इनको एन बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ए ए है और एन के लिए बिंदी आ गया मेंग। मेनो, मेनो, मेंट ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया, हालांकि पार्ट्स भी है। मेन्यू, यू को ई यू बोला गया है मेन्यू। फिर देखिए म्यूज, म्यूज, म्यू, म्यू, मेफ, मेफ, मक, मड, मड पढ़ेंगे क्योंकि अ को अ पढ़ा गया, पर ई को अ पढ़ा गया इसलिए मड, मे। जैसे आप लिखते होंगे आप देखते होंगे एच ई आर ई हेयर बोलते हैं, उसी तरह यह मेयर हो गया। अब देखिए मेस, मेरी, मक, ई को यहाँ पर अ बोला गया, मर्ल, मर, मेरो, मेरू, मर्व,
मेरी, मेष, मेष्क, मिशे, मेष, मेटा। अब इसे वर्ड्स आगे बढ़ा सकते हैं जैसे मेटाबॉलिज्म इस तरह से। तो जाहिर सी बात है शुरू आप शुरुआती आपको पता होगा तभी तो आप लिखेंगे मेटे, जैसे मेट्रियोलॉजी वगैरह बने मेथ। वर्ड्स अभी से बनेंगे इसी के बाद बनेंगे मेट। देखिए कहीं से हो आप हिंदी इंग्लिश के जानकार होते हैं ना, कि थोड़ा सा इंग्लिश जानते हैं वर्ड्स पढ़ना लेकिन बहुत नहीं जानते, तो आप साथ साथ बने रहे बहुत सारे सीखने को मिलेगा, वैक्यूबलरी रिच होगी आपकी और जाहिर है जितने वर्ड जानेंगे उतने इंग्लिश आपके करीब पहुंचने वाली होगी। तो देखिए ये मेट्ज, मियम, म्यूस, मी अश, मेव, म्यूल, म्यूज, मेज, मेज, मोस, मियन, आई एन को एन बोलते हैं मियन, मियाओ, मेप्स, माइका है ना, सन माइका होता है, माइस, ऐसे माउस का प्लूरल होता है माइस, तो ये माइस वर्ड है यानी चूहे बहुत सारे, माइक इस तरह से भी और माइक इस तरह से भी, उच्चारण एक ही होगा लेकिन लिखने का थोड़ा यूनिक है ये, तो लिखने का एक ही तरह का उच्चारण आप देख दिखेगा आपको बहुत सारे जगह, जैसे यहाँ आपने देखा था जैसे मिको, मिक्स, मिडी, ये हो गया। अब देखिए दूसरा देखिए स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिड्स, मिड्स के बाद है मियन, मिफ, मेग, मेक्स, मिया, मिही, माइक, मिल्ड, माइल्ड भी पढ़ते हैं लोग तो आप माइल्ड भी माइल्ड कर दीजिए माइल्ड, या देखिए माइल, मिल्फ, अब ये है देखिए मिल्क, मील, मिलो, ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आएगा, मिल्स कि भाई उच्चारण कैसे हो रहा है क्या बदल जा रहा है, मिल्ट, माइम, मिन, माइंड, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, देखिए आई है यहाँ पर, माइन यहाँ भी आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, मिंग, मिनी, मिंक, मिनो, मिन्स, मिंट, मिनू, मिंग, मिंक्स, मिनी, मिप्स, मीरा, मायर, मिरी, मिर्क, मीरो और है मिर्स। नेक्स्ट देखिए मर, मेर्व, मिरी, मिस, मिस्क, मिस भी पढ़ सकते हैं उससे वर्ड बन गया मिसलेनियस टाइप का, माइज, मिस, मिशो, मिस, मिस्ट, मिसी, माइट, मिटो और मिट है ना, मिट। तो दोस्तों ये है तरीके जो कि आपने देखे यहाँ पर 100 के आसपास ही अपने वर्ड देखा जो कि एम से शुरू हुए हैं और 4 लेटर के हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस पर यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सन, सी एल, एन, आर, ईज, सी ए, टेड, एज, प्रो, सन, जन, लॉजी, टिब, बगल में लिखा हुआ है
ठीक है, तो लिखा हुआ तो इससे आपको क्या होगा कि बगल में लिखा हुआ स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इधर के जो जो वर्ड्स हैं उन सब वर्ड्स को पढ़ने का प्रयास कीजिए कि भाई कैसे कैसे से पढ़ना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि यही चीज़ इधर है। जैसे देखिए टी एन को सन बोलते हैं, तो यहाँ सन है, अब एन ए ही पढ़ना है, वो क्या पढ़ेंगे, क्या होगा उच्चारण, एन ए से क्या उच्चारण होगा, आप कोशिश कीजिए। जी हाँ, इसी तरह कोशिश जरूरी है आपके लिए। दूसरा स्लाइड देखते हैं दोस्तों, इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मोबाइल को जो हॉरिजॉन्टल रखना है, क्षैतिज रखना है, उसके बाद पढ़ना है कि ओ यू एस को अस बोलते हैं तो इस वर्ड में क्या बोलेंगे। अब भाई सी ओ को क्या बोलते हैं, तो कन बोलते हैं, तो ये आपने पिछले में देखा होगा कन, तो वहाँ से कन लेंगे, यहाँ से अस लेंगे, तो भाई कन अस ये तो पता लगा, तो ये पता, ये क्या पढ़ना होगा। तो ऐसे मिला कर पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप करेंगे तभी सीखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों, एक और ये रहा स्लाइड। अब देखिए इसे डी एस को डिस बोलते हैं, तो देखिए डिस भी है, सी ओ कम बोलते कम भी है, एफ आर को फो बोलते हैं, तो इजी है, डिसकम्फर्ट। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, इसको प्रैक्टिस कीजिए और ये पढ़ के देखिए कि क्या ये वर्ड्स आपसे, हालांकि आज ही मैंने ये जोड़े हैं, इक वाले जोड़े हैं, जैसे बेसिक, ट्रैफिक, ओ आर को आर जोड़ा है मैंने, जैसे ट्यूटर और मोटर, तो ये आज एक जो है दो पार्ट्स और यानी जोड़ दिए मैंने, एक और वाला इस तरह से। तो अब ये 64 जो है यहाँ पर पार्ट्स हो गए। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर याद आप करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी वर्ड मीनिंग आप आसानी से पढ़ पाएंगे। साथ ही स्पेलिंग लिखते समय अगर मिस्टेक होगी तो वो भी बहुत ही कम होने लगेगी, ये बहुत ही सही है। अब देखिए यही जो पार्ट्स ऑफ वर्ड, अब कभी भी आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो टेक्स्ट में वो सिर्फ आएगा, जब वो आएगा तो आपको पढ़ना इजी हो जाएगा, आपको लगेगा ये तो भाई कौन सा बड़ी बात है, पढ़ लेंगे, इजी है। तो उसको आप समझिए कैसे पढ़ना है, यहाँ पर मैं बताऊँगा। देखिए ये टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी के बुक से लिया गया, बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड्स और हर तरह के वर्ड्स हैं, जिनको नहीं जो वर्ड्स पता है उनको ये लिख लेने चाहिए उच्चारण में, और बाद में इसका मीनिंग मतलब तो आपको समझ में आने ही लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि रोज़ डे बाई डे डेली यूज वाले वर्ड्स भी आ रहे हैं लगातार। दोस्तों कैसे पढ़ें, जैसे देखिए ए सी को एक बोलते हैं, ई डब्ल्यू एस को कैसे बोलते हैं, सी का लगा शेष बोलते, एक तो एक पार्ट है, दूसरा शेष पार्ट है ना, और ए एन को एन बोलते हैं, तो ये भी एक पार्ट है, हल्का तो रेन हो गया, तो ई डी को एड बोलते हैं, तो यहाँ भी देखिए एड है, तो ये सब पार्ट जो है बार बार रिपीट होते रहेंगे, आते रहेंगे बराबर, तो आपको सीख लेने होंगे ये पार्ट कैसे पढ़े जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर टी आई एन को बोलते हैं सन, सन है, चलिए सन है, यहाँ आप देखिए एक दूसरा वर्ड मीनिंग है डी आई एस टी, डी आई एस को बोलते हैं डिस, यहाँ देखिए टी आई एन सन भी रिपीट नहीं हुआ क्या, यहाँ देखिए सन रिपीट नहीं हुआ क्या, तो क्यों रिपीट हो रहा है, मैंने तो नहीं किया लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा किया है, रिपीटेशन बहुत हुआ, रिपीटेशन होगा भी कहाँ से, 26 लेटर्स को भले ही आप 62 तरह से पढ़ रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत होगी ही, 64 तरह से ना, तो 64 अब दोनों हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड भी और उसका उच्चारण भी, तो ऐसे ही पढ़िए, पढ़ के देखिए, नहीं तो चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ कैसे पढ़ाता है। दिज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट, सी यू एल को कल बोलते हैं डिफिकल्ट, एंड ई आर को आर बोलते टी लगा टर, टेरेन टेरेन, एंड हैव हेल्प्ड इन द इकोनॉमिक, इक हो गया, इको एक पार्ट हो गया, डेवलपमेंट ई एन टी को एंड बोलते हैं लगामेंट, ये भी पार्ट हो गया, ऑफ दिज एरिया रोड्स कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड है ना ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल, एक के बाद ई है और ऐसे भी आई एल को एल बोलते हैं, तो रियल हो गया, मटेरियल यूज फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, देखिए सन यहाँ फिर से रिपीट है, सच एज मेटल्ड एंड अन भी एक पार्ट है, अनमेटल्ड रोड्स, मेटल्ड रोड्स में, ए बाय के बोलते हैं, एम लगा तो मे हो गया, बी मेड, एक के बाद ये मेड ऑफ सीमेंट, सीमेंट ई एन डी कैंट सीमेंट, कंक्रीट है ना कंक्रीट, तो कंक्रीट भी पढ़ेंगे, कंक्रीट एक्चुअल उच्चारण कंक्रीट होता है, कंक्रीट जो बोलते हैं वो तो भाई वही समझे कौन कैसे पढ़ते हैं, कंक्रीट और इवन ई एन को एन बोलते हैं, इवन बिटुमेन ऑफ कोल, देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स, अनमेटल्ड
अनमेटल्स रोड्स गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन. रोड डेंसिटी द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन. ओ डब्ल्यू एन को ऑन एज डेन, ई एन को एन होता है डी लगा डेन. डेंसिटी ऑफ रोड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री. डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरीज फ्रॉम ओनली 1.2 to 12.14 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर. हिंदी के शब्द हैं. अब भाई स्वर और व्यंजन का प्रयोग तो आपको सीखना होगा. जम्मू एंड कश्मीर टू 517.77 किलोमीटर इन केरला एज ऑन 31st March 2011 विद द नेशनल एवरेज. एज को एज बोलते हैं, एवरेज ई आर को आर बोलते हैं, बी लगा वर, तो एवरेज ऑफ 142.68 किलोमीटर. ऐसे पढ़ेंगे, अलग अलग नंबर से पढ़ेंगे. यहाँ पर पॉइंट के पहले एक साथ और पॉइंट के बाद सिंगल सिंगल. 31st March 2011 रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसेस, एक के बाद ये फेसेस अ नंबर ई आर पर बी लगा बार नंबर ऑफ प्रॉब्लम कीपिंग, है ना, कीपिंग इन व्यू व्यू द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक. आई सी को एक बोलते ट्रैफिक एंड पैसेंजर, ई एन को एन बोलते हैं, लगा सेन, ई आर को आर बोलते हैं, ई आर को आर जी लगा तो जर हो गया, तो पैसेंजर्स द रोड. बहुत अच्छे से सीखिए दोस्तों. इस वीडियो में ही तक, आप इसका फिर से प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से मेरे बताए हुए तरीके के द्वारा, ठीक है. साथ ही दोस्तों देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक पहुँच गया तो लाइक भी कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए. नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इस बात की को देखिए कि घंटी दबा हुआ है कि नहीं, अगर दबा हुआ तो उठ जाएगा और उसके बाद रोज नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे. प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर. दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद. ठाकुर मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए. धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों.